बदलापुर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के कैसे कठिन सवाल, क्या हाथ पैर पर गोली नहीं मार सकते थे? बॉम्बे हाई कोर्ट के सवालों में फंस गई पुलिस। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर्स हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सब के सीडीआर टावर लोकेशन कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है ऐसा दिख रहा है। ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन को सामने रखते हुए अक्षय को एलिमिनेट किया है ऐसा मेरा स्पष्ट मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी के ही और रूलिंग पार्टी के ही सारे लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को इंडोर्स कर रहे हैं कि सब सही हो रहा है। पहला जो प्रश्न कोर्ट ने रखा कि पुलिस ने कोर्ट के सामने रखा उनके सरकारी पक्ष के सरकारी वकील के माध्यम से कि ये जो एफआईआर रजिस्टर की है अक्षय शिंदे के खिलाफ अभी 307 की मरे हुए आदमी के खिलाफ, तो उसके पिताजी की जो कंप्लेंट थी उसकी एफआईआर क्यों नहीं की पुलिस के खिलाफ, ये पहला सवाल कोर्ट ने उठाया। कोर्ट ने यह भी रखा है कि पूरे डॉक्यूमेंट जो पुलिस ने कोर्ट के सामने रखे पॉइंट ब्लैंक फायर किया है ऐसा पुलिस ने बोला है, कोर्ट ने अपीयर किया है कि पॉइंट ब्लैंक फायर अक्षय के खिलाफ हुआ है। दूसरी जो चीज है ये जो घटना घटी उसके पहले अक्षय शिंदे के माता पिता ने जेल में जाकर के उससे मुलाकात की, यह मुलाकात के दौरान उसने कैंटीन के लिए उनको जो चाहिए कैंटीन जो जेल में होता है उसके लिए मनी ऑर्डर की, उसने 400-500 रुपए की डिमांड की। दूसरी चीज उसने कहा कि हमें मेरी चार्जशीट लगी मुझे बेल कब होगी, तो इससे यह प्रतीत होता है कि अक्षय शिंदे बेल के ऊपर आने के लिए उत्सुक था, वो न्याय के लिए न्याय की प्रतीक्षा में था। दूसरी चीज जो है वो कैंटीन मांग रहा है इसका मतलब वो जेल में रहने की मानसिकता से था। तो पुलिस का जो कहना है कि अक्षय शिंदे ने पुलिस से बचने के लिए फायरिंग किया, तो ये प्राथमिक दृष्टया उसके अक्षय शिंदे के माता पिता के कहने से ये प्रतीत होता है कि ये गलत बात है, पुलिस की स्टोरी झूठी है। दूसरा जो है कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर्स हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। उन्होंने कोर्ट ने कहा है अक्षय शिंदे को पिकअप करने के बाद से हॉस्पिटल तक लेने तक उसका टोटल जितने भी सीसीटीवी कैमरास है सारे के सारे प्रिजर्व करने को कहा है। दूसरी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और हैंड वॉश जो डिसीज्ड के उसने किए नहीं होंगे तो उनके हैंड वॉश जो है फॉरेंसिक का जो काम है वो भी कहना है। कोर्ट ने स्वाति भिंगार दिवे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है डिले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। दूसरा जो है जिस वैन में इनकाउंटर हुआ उस वैन का भी वीडियो जो है वो प्रिजर्व करके रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सब के सीडीआर टावर लोकेशन कॉल डिटेल रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। दूसरा इनकी एफआईआर क्यों नहीं ली डिसीज्ड की, उसके पिता ने जब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए मांग की तो वो क्यों नहीं ली, उसके सवाल में 3 तारीख को जवाब गवर्नमेंट पेश करने वाली है। मेरा ये कहना है न्याय के सामने हर एक नागरिक अगर समान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के तहत, तो अगर जो मृत अक्षय शिंदे है उसकी अगर एफआईआर उसके खिलाफ अगर एफआईआर ली जाती है तो उसके पिता की एफआईआर उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं ली गई, क्यों उसकी जांच नहीं हो रही है, उन्होंने उसके लिए एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट क्यों किया है। कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और सरकार ने बोला है उसके बारे में हम हमारे अधिकारियों से पूछ करके हम कोर्ट में 3 तारीख को जवाब देंगे। सरकार का ये नेचुरल बात है
प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है ऐसा दिख रहा है, और इसके लिए बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह है कि यहाँ पर जो बदलापुर के पास शिलफाटा में जो रेप हुआ और उसमें मर्डर भी है, उस केस में जितनी तत्परता नहीं दिखाई गई उसमें अक्षय शिंदे में जो तत्परता दिखाई गई है। दूसरी चीज, चार पुलिस वाले एक वैन में बैठे हैं तो वो कॉक करता है, फायरिंग भी करता है, पुलिस के पैर को गोली लगती है, इसके डायरेक्टली वाइटल पार्ट हेड को इंजुरी होती है। तो एक तो अक्षय शिंदे आर्म्स वापरने का उसको अच्छा तजुर्बा होना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष कोर्ट ने निकाला है। कोर्ट ने मांग भी की है कि वेदर ही वॉज वेरी स्पेसिफिक फॉर हैंडलिंग द वेपन, तो वो भी चीज़ कोर्ट ने मांगी है। दूसरी चीज़ जो है, ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन को सामने रखते हुए अक्षय को एलिमिनेट किया है ऐसा मेरा स्पष्ट मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी के ही और रूलिंग पार्टी के ही सारे लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को इंडोर्स कर रहे हैं कि सब सही हो रहा है। तो अगर ऐसा होने लगा, एक मैं ऑफिसर हूँ कोर्ट का और एक कानून का खुद को सिपाही, संविधान का सिपाही मानता हूँ, तो हमारे राज्य को ये शोभा नहीं देता है। यहाँ पर कानून का राज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस तरह से महिमा मंडन करके पुलिस का राज स्थापन करने की जो कोशिश की जा रही है ये टोटली गलत है। पुलिस के इस एक्शन को कोई भी इंडोर्स करेगा और बहुत अच्छा बदला लिया गया है। इस तरह से अगर कोई कहेगा, कोई बोलेगा देवा का न्याय, अगर देवा का न्याय बोलेंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस को उनकी होम मिनिस्टर के वो वकील है खुद, उन्होंने कुर्सी छोड़ करके इधर हाईकोर्ट में या फिर सेशंस कोर्ट में या कोई भी लोअर कोर्ट में वो जज बन जाए और न्याय दीजिए। अगर इस तरह से लोग देवा का न्याय बोलने लगे तो ये जो चीज़ें हो रही है ये टोटली गलत है और हम मुंह तोड़ इसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर संविधान और लोकशाही, हमारा लोकतंत्र अगर जिंदा रहा तो ही हमारे नागरिकों के अधिकार घटित होंगे। आज अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ, इसी प्रकार को अगर हम लोग दोहराएंगे और इसका महिमा मंडन करेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो कल आप में से हम में से भी किसी का भी नंबर ये पुलिस लगा सकती है। इस बात को आपको संज्ञान में लेना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक फायर हुआ है क्या, ये अपीयर दिखा रहा है, इसके ऊपर डाउट कोर्ट ने रेज किया है। तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है फिंगरप्रिंट की, उनके फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के प्रोसीजर के ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। दूसरी चीज जो है, डीले जो है पुलिस का सीआईडी के पास हैंडओवर करने के लिए एफआईआर, वो भी अकाउंट में कोर्ट ने लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो पुलिस ऑफिसर्स ये सब फायरिंग में इन्वॉल्व थे उन सबके सीडीआर, टावर लोकेशन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड लेने के लिए कोर्ट ने कहा है। प्राथमिक दृष्टया यही दिख रहा है कि इस मैटर को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल गेन को सामने रखते हुए अक्षय शिंदे को एलिमिनेट किया है ऐसा दिख रहा है। ये गवर्नमेंट ने इलेक्शन को सामने रखते हुए अक्षय को एलिमिनेट किया है ऐसा मेरा स्पष्ट मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी के ही और रूलिंग पार्टी के ही सारे लोग इसका महिमा मंडन कर रहे हैं और पुलिस की कार्रवाई को इंडोर्स कर रहे हैं कि सब सही हो रहा है।